बैठी हूँ। तो अभी ठंड सुबह थोड़ा होता है और शाम को थोड़ा लगता है। कपड़े निकाल के लेके जाऊंगी। और यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्शन का आवाज आ रहा है ना, इसीलिए मैं ज्यादा कैमरा लेके नहीं आ रही हूँ। यहाँ ये देखिए, ये जो स्प्रिंग ऑनियन है ना, इतना बढ़ गया है। तो ये मैं इसको लेके आई हूँ कैंची, इसको काट के फिर इसमें लेके जाऊंगी, तो कुछ रात को बनाऊंगी तो इसमें यूज़ कर लूँगी। ये यूज़ हो जाएगा, नहीं तो ये टूट जा रहा है ना, मतलब ये हाइट संभाल नहीं पा रहा है। अगर ज़्यादा खुले में वो जो रेक्टेंगुलर एक आता है ना, उस वाले फ्लावर वास में या पॉट में अगर लगाएंगे ये वाला, तो अच्छे से उगेगा लंबा लंबा होके। पर अभी यहाँ पे ये गिर के यहाँ नीचे फैल रहा है, नीचे कहता है, तो मैं इसको काट लूँगी। और ये तो है स्प्रिंग ऑनियन, ये बड़ा। और ये देख रहे ना आप, ये वाला, ये जो है गार्लिक का, लहसुन जो है ना उसका, ये देखिए नीचे दिख रहा होगा वाइट वाइट। वो छोटा छोटा है अभी, मतलब कुछ लगाया था, चार पांच अंदर है, ये काटने के बाद फिर दिखाई देगा। जो बड़े बड़े ये जो थे स्प्रिंग ऑनियन, ये मैंने निकाल दिया है। और ये जैसे लॉन को चॉप करते हैं ना, कटिंग चॉपिंग, तो इसका भी मैंने वैसे कर लिया है, क्योंकि ये जो मैंने उखाड़ना चाहा तो ज़्यादा रूट अंदर तक फैला हुआ है शायद, तो मतलब वो निकला नहीं। तो ये जो है ना, ये पिंक कलर का, ये जो लेस और बीड्स लगा है ना, इसका मतलब मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, फाइव ऐसे कुछ था, फाइव डिफरेंट कलर का, और डिफरेंट कलर था, तो मुझे 500 ऐसे पड़ा रावा। थोड़ा एक बड़ा 1 kg का ले लिया था ना मैंने पैकेट, तो मुझे लगा वो थोड़ा धूप निकला था, अच्छे से खिला धूप आज निकला था, इसे हर रोज़ निकलता है आजकल, तो इसलिए थोड़ा धूप लगा दिया। अभी मैं डिब्बे में भर लूँगी। ये एक फ्रूट है, चिली ड्रैगन फ्रूट कहते हैं इसको, और ये मैं लेके आई थी। पहले इसको बाहर से इम्पोर्टेड होके आता था,
पर आजकल इंडिया में भी ये कल्टीवेट कर रहे हैं ये वाला फ्रूट, मेनली केरला जो है ना, केरला में ये वाला फ्रूट बहुत ये करते हैं, कल्टीवेट बहुत प्रोड्यूस करते हैं। ये किसी भी सुपरमार्केट में या फ्रूट शॉप में मिल जाता है और ये अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। ऐसे आराम से इसका जो पील है ना, ये छिलका निकल जाता है। ये जो रहता है आउटर, ये जो सरफेस है ना, ये वाइट है अभी। और इसी फ्रूट का दूसरा वैरायटी भी आता है जो ये पिंक कलर का रहता है। दोनों सेम ही है, थोड़ा ऐसे कलर में डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंट ब्रीड होगा सीड का। मैं ये हम लोग ये खाएंगे, फिर मैं एग करी जो है उसके लिए, एग बॉयल के लिए बॉयल करके रख दिया है, उसकी एक डिफरेंट सी रेसिपी बताऊंगी आपको। जब हम बच्चे थे ना पहले, मैं जब मतलब स्कूल में, मैं जब स्कूल जाया करती थी तो ये वाला आजकल सारे घर में बनता है, पर हम लोग बहुत पहले से ये खाते आ रहे हैं। ये डिफरेंट, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल होगा इसका। वो मैं बनाने जा रही हूँ। ऐसे जो ये सीड रहता है ना, इस तरह का आपने देखा हुआ कीवी फ्रूट में रहता है, ड्रैगन फ्रूट में रहता है, और चिया सीड्स भी देखने के लिए ऐसा ही है, पर उससे ऐसे कोई मतलब नहीं है, वो डिफरेंट है। तो ये हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। मैंने बॉईल करके रख दिया है और इसको अभी एक डिफरेंट सी करी बना रही हूँ। 4 अंडे मैंने बॉईल कर दिया है और ये प्याज टमाटर और अदरक लहसुन को कूट के रख दिया है। ये ग्रेवी तो ये इससे बेस बनेगी, बाकी इसका करेंगे प्रोसेस। मैं इससे इसके दो हिस्से करूँगी, तो डिवाइड कर दूंगी ऐसे। इसके ऊपर मैं थोड़ा हल्दी और ये जो चिली पाउडर है ना, ये स्प्रिंकल कर दूंगी, और ये काली मिर्च भी, काली मिर्च का पाउडर है ये, थोड़ा सा मैंने स्प्रिंकल कर दिया है। और इसमें थोड़ा सा जरा सा नमक भी जाएगा।
अच्छे से कोट कर लेंगे, जितना हो सकता है। एग को तो मतलब लाइटली हैंडल करना पड़ता है, टूट जाएगा तो फिर मजा ही किरकिरा हो जाएगा। ये मैंने कुछ लहसुन गार्लिक है ना वो छील के क्लीन करके टिश्यू में रैप करके रख दिया है, ताकि जब भी जरूरत हो मैं ग्रेट या चॉप करके यूज कर सकती हूँ। इसको फ्रिज में रख देंगे। बचपन में जब मैं पापा और भाई के लिए बनाती थी, मम्मी तो बनाती नहीं थी, मैं ही बनाती थी, ज़्यादातर ये वाला सब्जी करी ही बनता था। ऑमलेट और भुजिया वो सब कम ही बनता था, क्योंकि रात में रोटी और सब्जी के साथ खाना है ना, तो ये वाला करी ही ज़्यादा बनता था। तो पहले मैं क्या करती थी, ऐसे तेल में ये जो पूरा होल जो है उसको प्रिक करके डाल देती थी थोड़ा फ्राई करने के लिए, ताकि वो जो ग्रेवी में पकेगा ना तो वो बिखर ना जाए इसीलिए। पर आजकल इस तरह का बच्चे बहुत नखरे दिखाते हैं ना, चलिए ऐसे पलट के फिर इसको फ्राई करना होता है। बाद में जब सब्जी में प्रोसेस होगा फर्दर, तो शायद ये ब्रेक हो जाएगा या बिखर जाएगा या पीस पीस हो जाएगा ना, इसके लिए ये वाला स्टेप की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो डायरेक्ट भी बना सकते। ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं निकाल दे रही हूँ, सब्जी बनाने की तैयारी करेंगे। इसका अलग से एक स्मेल और फ्लेवर निकल के आता है, डिफरेंट सा एरोमा फैल गया है। थोड़ा और तेल डाल दिया, जीरा का तड़का दे दिया, प्याज को थोड़ी देर भुनेंगे, फिर बाकी सारे मसाले डालेंगे। हल्दी पाउडर, चिली पाउडर, काले मिर्च पाउडर, जीरा और धनिया का पाउडर, और ये अदरक लहसुन भी अभी डालेंगे। तो ये सारा टमाटर डालेंगे, दो मीडियम साइज का टमाटर है, थोड़ा नमक डालेंगे, मसाला कुछ इस तरह पक गया है, मैंने पानी दे के इसको भून भून के इस स्टेज पे आया है मसाला, देंगे इसमें बॉयल आने के बाद फिर एग को डालेंगे। और
थोड़ा सा गरम मसाला जाएगा। अब एक एक करके इसको डालेंगे। मसाला ये ग्रेवी एग सब एब्जॉर्ब कर लेगा और थोड़ा सूख जाएगा, तब हम गैस ऑफ करेंगे। और ज़्यादा इसको पकाएंगे तो फिर ये बिखर जाएगा, इस स्टेज पे हम गैस ऑफ करते हैं। इस तरह कभी बना के देखिए आप भी कितना सुंदर। बहुत सारे लोगों को ये वाला पता होगा और जिनको नहीं पता ये इस तरह बना के देख सकते हैं। अभी ऐसे आलू की एक सब्जी बनाने जा रही हूँ, आलू दम जैसा बनेगा, ऑथेंटिक नहीं पर मेरे घर में जैसे बनता है वो मैं बता रही हूँ। जीरा हींग का तड़का दे दिया है, यहाँ पे अदरक लहसुन कूट के रखा है और ये प्याज टमाटर, एक प्याज मीडियम साइज का, दो टमाटर और तीन आलू। और ये मेरे जो मैंने जो लगाया था ना ऑनियन का प्लांट, उसमें से जो स्प्रिंग ऑनियन है ये मैंने थोड़े से लेके काट के रखा है। ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, ये अदरक लहसुन का ये जो पेस्ट था डाल दे। टमाटर डाला है, रफली चॉप कर दिया है दो टमाटर को। टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए नमक डाला है। यहाँ पे हल्दी, ड्राई मसाले डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर, चिली पाउडर, काली मिर्च, जीरा और धनिया का पाउडर, ये भुना हुआ है, थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये मसाला अच्छे से भुन गया है, सारा मॉइस्चर सूख गया है, मसाला भी भुन गया है। अब इस स्टेज पे मैं ये कटे हुए बॉयल्ड आलू है ये, सारे मसाले और सब एक साथ करने के लिए मैं थोड़ा सा और पानी डाल रही हूँ। स्प्रिंग ऑनियन जो है ना ये डाल दिया,
नमक भी डाला था तो यहाँ पे नमक भी डाल दिया। तो एक क्विक सा आलू दम जैसा तैयार हो गया है, पराठे के साथ या राइस के साथ भी, जीरा राइस के साथ भी खा सकते हैं आराम से, और बहुत टेस्टी लगता है ये। मेरे घर में ये वाला क्विक वाला ज़्यादातर बनता है। रात को ये सब्जियां काटना, अगर मुझे टाइम नहीं मिला या और कुछ काम था, एग्ज़ाम वगैरह बच्चों का, तो मैं ज़्यादातर यही बना लेती हूँ। और ये वाला नया वाला जो आलू है, इसके साथ तो और भी टेस्टी लगता है। अभी बना के देखिए और बताइए कैसा लगा। ये गर्मा गर्म हमारा एक डिलीशियस मिक्स वाला मील रेडी है। हेल्दी भी है और लाइट भी है, तो डिनर में या लंच में भी बना के खा सकते हैं।